₹50 में आपका पोर्टफोलियो बनवाएंगे। पहले भी ये कामकाज जो है ये डिम्पी के पास रहा था और अभी भी ये डिम्पी की ही के ऊपर ही दारोमदार है कि उन्हें ₹50 में पोर्टफोलियो बनाना है। डिम्पी हमेशा ऐसी सिचुएशन आपके पास ही क्यों आती है कि जब भी कंस्ट्रेंट ज्यादा होते हैं और काम बड़ा होता है वो आप ही को चुना जाता है? पता नहीं ऐसा क्यों होता है, इसको किस्मत का दोष समझ सकते हैं, पता नहीं क्या है, मैं तो इसको यही बोलूंगा। हाँ लेकिन ये है कि जैसे आप कुछ देते हैं ना हमको इस तरह का, तो मेरे लिए बड़ा चैलेंज बन जाता है इसको अच्छे तरीके से सबके सामने रखने का। तो खैर हम ₹50 के साथ तैयार है, आपके पास होगा ये नया नोट, जरूर होगा, नहीं है तो नोट के दर्शन कर लीजिए, ये ₹50 का नया नोट है, ये है, थोड़ा छोटा लग रहा होगा तो ये नया नोट आपको यहाँ दिख रहा है, ये ₹50 के दमदार शेयर की अब शुरुआत करते हैं आपके सामने। एक छोटा सा नोट कैसे आपको मालामाल बना सकता है, ये इसको हमने एक ग्राफिक्स के जरिए कुछ शेयर्स के जरिए आपके सामने उतारना चाहते हैं। ये बात सिर्फ बात ₹50 की नहीं है, बात बाजार में एंट्री लेवल की भी है। इससे छोटा नोट अभी नया नोट तो नहीं है, आप इसी नोट के साथ या शुरुआत करें तो एक एक करके आपके सामने हम 3 शेयर उतारेंगे। ये तीनों के तीनों शेयर ₹50 से कम के हैं, आप इनको रखेंगे तो उम्मीद करते हैं एक साल में डबल तो हो ही जाने चाहिए, यानी कि ₹50 का नोट ₹100 का हो जाएगा। और अगर आपने इससे कहीं ज्यादा कुछ और नोट इकट्ठे करके लगा दिए हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। अब एक एक करके जरा शेयर भी जानिए। पहला शेयर वह है सिंटेक्स इंडस्ट्रीज का, इस पे आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए क्योंकि सिंटेक्स इंडस्ट्रीज अब सिंटेक्स प्लास्टिक से अलग हो चुके हैं, दो कंपनी अलग अलग है, सिंटेक्स इंडस्ट्रीज और सिंटेक्स प्लास्टिक। सिंटेक्स इंडस्ट्रीज जो है वो सीधा टेक्सटाइल का कामकाज देखती है। इस टेक्सटाइल वाले बिजनेस के अंदर अच्छी बात यह है कि उन्होंने जितना कैपिटल लगाना था, अपनी क्षमता विस्तार करना था, वो कर चुके हैं, यानी कि आने वाले दिनों में फ्रूट्स ही आपको देखने को मिलेंगे, तो बेहतर तिमाही के नंबर जब आने वाले हैं। तो एक छोटा सा नोट आपके लिए एक बेहतर चीज लेके आ सकता है, सिंटेक्स इंडस्ट्रीज पे आप जरूर ध्यान रखें। सिंटेक्स इंडस्ट्रीज का जो टारगेट है वो करीब ₹45 का है, अभी ये टारगेट आपके सामने मिस होगा लेकिन अब आप देखेंगे तो ₹45 का टारगेट आपको मिल जाएगा। फिलहाल शेयर अभी ₹25 के आसपास कामकाज कर रहा है, तो ₹25 वाला शेयर ₹45 की तरफ बढ़ रहा है सिंटेक्स इंडस्ट्रीज। अब आए हैं दूसरे शेयर की तरफ, दूसरा शेयर होगा मर्केटर। मर्केटर पे आपको ध्यान रखना है, इसके पास ना 9 जहाज ऐसे हैं जिसकी लाइफ स्पैन जिसको हम कहते हैं वो बहुत अच्छी है, 10 साल से ज्यादा है, तो 10 साल तक इनको कम से कम फ्लीट, अपने जहाज के बारे में ज्यादा सोचने की बात नहीं है। अब सरकार क्या कर रही है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे ज्यादा ध्यान रख रही है। अब सरकार अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे ज्यादा फोकस करने वाली है तो उसका फायदा जरूर इसको मिलेगा। ये ड्रेजिंग के बाद दूसरी ऐसी कंपनी है जिसका फ्लीट की तादाद काफी अच्छी है, तो शेयर का जो लक्ष्य है वो ₹75 का है। नोट करें मर्केटर का लक्ष्य जो है ₹75 का है, यह भी ₹43 यानी कि इस नोट में आपको मिल जाएगा, तो ₹75 का टारगेट। अब तीसरा शेयर सुनिए, वह मधुकोन प्रोजेक्ट, इस पे भी आप ध्यान रख सकते हैं। मधुकोन प्रोजेक्ट के पास ऑर्डर बुक की तो कोई कमी है ही नहीं, लेकिन जब इस ऑर्डर बुक को हम खंगाल रहे थे सबसे बेहतर चीज हमको दिखी वो था इनका इरिगेशन कारोबार में कंपनी का बेहतरीन अनुभव, अच्छा एक्सपीरियंस होना। आपको पता है कि 2020 तक सरकार कृषि में बहुत बड़े रेवोल्यूशन लेके आना चाहती है क्योंकि वो किसानों की आय को दोगुना करना चाहती है। कृषि सबसे फेवरेबल और कृषि में भी एग्रीगेशन सबसे फेवरेबल होगा। मधुकोन के पास अच्छा एक्सपीरियंस है, इसका फायदा इसको जरूर मिलेगा। शेयर पे करीब करीब ₹60 का लक्ष्य रखिए अभी आप ट्रेड करें, अभी ये करीब ₹33 का है, यानी कि इस ₹50 में आपको शेयर मिल जाएगा ₹60 का लक्ष्य। तीनों शेयर, एक सिंटेक्स इंडस्ट्रीज, मर्केटर और मधुकोन प्रोजेक्ट, एक एक नोट इस्तेमाल करेंगे, तीनों शेयर आपके पास। डिम्पी आपके हाथ में सिर्फ एक नोट है, अगर आपको लेना हो तो आप इनमें से कौन सा शेयर उठाएंगे? मैं इसमें से जो लूंगा तो मैं मधुकोन प्रोजेक्ट। चलिए तो अगर डिम्पी अपने ₹50 का इस्तेमाल करते हैं तो मधुकोन प्रोजेक्ट, ये मेरा ही नोट, वैसे मेरा ही नोट है, और मैं अगर लूंगा शेयर तो मैं मधुकोन प्रोजेक्ट लूंगा। चलिए तो मधुकोन प्रोजेक्ट उठाएंगे, लेकिन अदरवाइज आपके सामने 3 विकल्प रखे, और शायद डिम्पी आप आगे 100, 200 का, 500 का, 2000 का, क्या सुमित 100 का नोट नया आया नहीं, वो तो पुराना है। हाँ जो 200 का नोट है ना वो काफी सारे लोगों के पास है नहीं, तो उसके दर्शन भी कराएंगे 1 घंटे के बाद। चलिए 200, 500 और 2000 ये भी मान के चले आप लेके आएंगे। 500 भी है, 2000 भी है, सारे नए नोट का पोर्टफोलियो होगा। अब 1 घंटे का सिर्फ इंतजार है, इस नोट को हम बदल देंगे।